दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल, सूर्य कुमार और ईशान किशन को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले के दौरान शुभमन गिल ने जड़ा शतक, लेकिन उनके आउट हो जाने के बाद भारत की स्थिति हो गई थी नाजुक। भारतीय टीम पहुंच गई हारने की कगार पर। तब मुश्किल वक्त में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर ऐसे पलटकर रख दिया हारा हुआ मुकाबला कि देखकर पूरा भारत देश उठा खुश। तो दोस्तों आखिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले की पूरी हाईलाइट वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला होलकर स्टेडियम इंदौर पर शुरू हुआ, जहां इस मुकाबले की शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंग्स के टॉस जीतने के साथ हुई और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और यहां पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में 325 रन बनाकर भारत के आगे 326 रन का लक्ष्य रखा। वहीं हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में 326 रन बनाते बनाते भारतीय टीम ऐसी दुविधा में फंस जाएगी इसका अंदाजा पूरे देश को भी नहीं था। हुआ ये कि जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने पारी की शुरुआत की तो यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी साझेदारी को अंजाम दिया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने पर विश्वास जताया। इस दौरान डेविड वार्नर जो कि अपने अर्धशतक के बेहद ही नजदीक थे, वो 42 रन पर खेल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको अपने जाल में मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से फंसा लिया और यहाँ पर मोहम्मद शमी का शिकार बनते हुए डेविड वार्नर की पारी 42 रन पर ही समाप्त हुई। तो वहीं डेविड वार्नर के आउट हो जाने के बाद उतरे स्टीव स्मिथ, जहाँ स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श ने मिलकर शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया, जहाँ दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 30 ओवर में ही अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया को 200 रन के आंकड़े के पार पहुंचा दिया था। और इस दौरान मिचेल मार्श का बल्ला खूब आग उगलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर उनका विकेट चटकाना बेहद ही जरूरी था और उनको अपने जाल में जसप्रीत बुमराह ने फंसा लिया और मिचेल मार्श की पारी यहाँ 117 रन पर समाप्त हुई, जैसा कि आप सभी यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं मिचेल मार्श ने अपनी 117 रन की पारी में 7 चौके और 2 छक्के भी लगाए। तो वहीं फिर मैदान पर उतरे मार्नस लाबुशेन, जहाँ स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश तो की, लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्टीव स्मिथ के रूप में ऑस्ट्रेलिया की टीम को तीसरा झटका लगा और स्टीव स्मिथ 78 रन बनाकर आउट हुए। और स्मिथ के आउट हो जाने के बाद उतरे कैमरोन ग्रीन, जहाँ मार्नस लाबुशेन और कैमरोन ग्रीन ने अंत तक टिककर बल्लेबाजी करते हुए यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम को 325 रन पर पहुंचाया। और इस बीच मार्नस लाबुशेन ने 53 तो वहीं कैमरोन ग्रीन ने 33 रन बनाए। और हालांकि इस दौरान भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे, तो वहीं एक एक विकेट मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा को मिला। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ कर दिखाने की और मैच अपने नाम करने की। और दोस्तों इसी आस के साथ भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ उतरे। दोनों बल्लेबाजों को बहुत उम्मीद थी अपनी पारी से, लेकिन यहाँ पर किसी को क्या ही पता था कि ये मैच तो तब पलट जाएगा जब ऋतुराज गायकवाड़ 23 रन बनाकर ही आउट हो जाएंगे। जी हाँ, हुआ ये कि ऋतुराज गायकवाड़ ने शुभमन गिल की तरह रुख अपनाते हुए छक्के चौकों पर विश्वास जताया, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि होलकर की यह पिच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को मदद देती है और फिर बाद में गेंदबाजी। और यहाँ पैट कमिंग्स के अंदर आती हुई गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ बोल्ड आउट हो गए और 23 रन पर उनकी पारी यहीं समाप्त हुई। तो वहीं ऋतुराज के आउट हो जाने के बाद उतरे श्रेयस अय्यर, जहाँ शुभमन गिल का साथ निभाते हुए श्रेयस अय्यर ने अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया और इस दौरान शुभमन गिल ने 53 रन भी बना रखे थे, लेकिन यहाँ पर दूसरे छोर पर खड़े श्रेयस अय्यर, जिससे पूरा भारत उम्मीद लगाए बैठा था, वो 42 गेंदों में 29 रन बनाकर ही चलते बने। अब दो बड़े झटके भारत को गिरना कम था कि चौथे नंबर पर उतरे बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान केएल राहुल पहली गेंद पर गोल्डन डक बोल्ड आउट हो गए। और दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लगातार 3 बड़े झटके भारत को दे दिए थे, लेकिन अभी एक बल्लेबाज ऐसा था जिसने पूरी पारी को संभाल रखा था और वो थे शुभमन गिल, जो कि केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद 78 रन पर खेल रहे थे और फिर उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर अपना शतक भी पूरा कर लिया और दोनों दोस्तों ने मिलकर यहाँ भारतीय टीम को जीत दिलाने की राह पकड़ ली। इस दौरान शुभमन गिल 150 रन जड़ने के बेहद ही नजदीक होते हैं, लेकिन इसी बीच उनको शीन एबॉट ने चलता किया और यहाँ पर शुभमन गिल की पारी 142 रन पर ही समाप्त हुई और अपनी इस पारी में उन्होंने 13 चौके और 4 बड़े छक्के भी लगाए, जिसके चलते अब भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। लेकिन अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ था, अब ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव पर पूरा दारोमदार था भारतीय टीम को मैच जिताने का। और मुकाबला जा पहुंचा अंतिम ओवर में, जहां भारत को मैच जीतने के लिए अब 6 गेंदों में 22 रन बनाने थे और यहां पर पहली गेंद का सामना ईशान किशन कर रहे होते हैं, जो कि अपना अर्धशतक पूरा करके फॉर्म में आ चुके थे, लेकिन
यहाँ पर दोस्तों भरोसा किसी को भी नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के आगे ऐसा भी प्रदर्शन हो भी सकता है। भारत के सभी नागरिकों की सांसें अटकी हुई थी कि मुकाबले में क्या होगा, और दोस्तों हुआ वही जिसकी पूरे देश को उम्मीद थी। यहाँ पर ईशान किशन ने पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया, अगली गेंद पर ईशान किशन ने आगे बढ़कर चौका लगाया और अब भारत को 4 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। अगली गेंद ईशान किशन से मिस हो गई, कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर ईशान किशन ने 1 रन भाग लिया और अब दोस्तों 2 गेंदें बची हुई थी और भारत को जीतने के लिए 11 रन चाहिए थे। और इस दौरान सूर्य कुमार यादव अब स्ट्राइक पर आ चुके थे। सूर्य कुमार यादव ने ऑफ कवर्स की तरफ सबसे पहले 5वीं गेंद पर पैट कमिंग्स की छक्का जड़ दिया और यहां भारतीय टीम को अब अंतिम एक गेंद पर 5 रन चाहिए थे और यहां छक्का लगाते से ही भारतीय टीम विश्व विजेता बन जाती। और यहां पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने फिर डीप मिड विकेट की तरफ आगे बढ़कर छक्का जड़कर भारतीय टीम को इस हारे हुए मुकाबले में जीत दिला दी। और इस दौरान ईशान किशन ने जहां 58 गेंदों में 72 रन बनाए, तो वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक पूरा करते हुए 58 रन की पारी खेली, जिसके चलते भारत यह मुकाबला जीत गया। और दोस्तों इस मैच में जीत के सबसे बड़े हीरो शुभमन गिल, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव रहे। बाकी दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले से ठीक पहले खेला गया यह इंटर स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला है, जिसमें भारतीय टीम की साफ तौर पर जीत हुई है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी देख लेने के बाद, और आप भारत के किस बल्लेबाज को 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन को? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।